नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कोरोना पर रियलिटी चेक। जी हां, इस वक्त कोरोना नाम के वायरस से लगभग दुनिया के सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। जहां चीन से कोरोना वायरस ने 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ इटली समेत कई देशों में कोरोना का कहर देखने को मिला। अब कोरोना ने भारत में भी दस्तक दे दी है। हरियाणा में भी कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। खबरें अभी तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों और हालात का जायजा लिया। मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां पर एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाजारों में मास्क की कमी आ चुकी है। खुद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हरियाणा कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना वायरस का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। कोरोना वायरस का असर अब हरियाणा में बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है, यानी गुरुग्राम में अब तक कुल 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के कई हिस्सों में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मास्क आसानी से लोगों को नहीं मिल पा रहे। दुकानों पर मास्क की कमी के साथ ही इनके रेट भी बढ़ गए हैं। मेरा नाम दीपक सूजी, मैं अंबाला का रहने वाला हूं। आजकल आपको पता ही है कोरोना वायरस कहां तक बुरी तरह फैला हुआ है। ये इसके सेफ्टी जो है सिर्फ मास्क ही है। मास्क कहीं भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट जगह कहीं भी अवेलेबिलिटी हो तो लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि मास्क का जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है और पीछे से ही मास्क की सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि मास्क की ज्यादातर सप्लाई चाइना से होती है। मतलब वायरस फैलने के कारण मास्क की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि हर कोई मास्क चाहता है कि मैं मास्क लगाऊं, और काफ़ी लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इसका। तो पीछे से क्या है, रॉ मटेरियल जो आता था वो चाइना से ही आता था। अब चाइना में ट्रेडिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने के कारण माल नहीं आ रहा है। खुद सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मास्क की एकदम से मांग बढ़ने की वजह से ये कमी हुई है, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार अलर्ट है, इसमें सब चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं हम, और हमें जो जो जहां जहां से कोई शिकायत मिलती है उसके लिए या मिलने की संभावना है उसके लिए सब तैयारियां हमारी हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा पूरी तरह से अलर्ट पर है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है, सारे प्रशासन को भी अलर्ट किया है। अभी तक कुछ केसेस जो इटली से यहाँ ऐसे गुड़गांव में आए हैं डिटेक्ट हुए हैं, 14 केसेस ऐसे मेदांता हॉस्पिटल में भी, उनको एक अलग से जो स्थान है उसके ऊपर रखा गया है, और एक केस दिल्ली से जो यहाँ एटीएम में कार्यरत थे एक व्यक्ति, उनका भी केस ध्यान में आया है। और मैं समझता हूँ हरियाणा में इस प्रकार की कोई और शिकायतें नहीं आई हैं, फिर भी हर चीज़ से मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना की दहशत हरियाणा में भी है। फरीदाबाद में हमारे संवाददाता दीपक गौतम ने बादशाह खान अस्पताल में जाकर जायजा लिया और डॉक्टर से बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हड़कंप का माहौल है। ऐसे में हम पहुंचे हैं फरीदाबाद ये जानने के लिए कि फरीदाबाद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अस्पताल की ये बिल्डिंग है, और यहाँ इंतजाम जो किए गए हैं वो पूरी तरह से कोरोना को लेकर किए गए हैं। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कोरोना को लेकर और क्या एडवाइस करेंगे? यहाँ पे अपने बीके हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है वो बनाया गया है, और पीपीई किट्स, N95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क काफ़ी मात्रा में हमारे पास हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि घबराने की या पैनिक की होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके सिवाय हमने प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं हमारे, 6-7 बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ फरीदाबाद में, उनमें 122 आइसोलेशन टोटल बेड्स का अरेंजमेंट किया है।
तो अगर एकदम से ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उनके लिए भी, और वेंटिलेटर की सुविधा भी हमने उनके साथ टाइप की हुई, तो हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, किसी भी किस्म की घबराहट या उसकी ज़रूरत नहीं। तो अभी आपकी तरफ से क्या एडवाइस है लोगों को, क्या सावधानी बरतनी है इसको लेकर? सावधानी तो कि भीड़ वाली जगहों से बचें, और जो ये 11 कंट्रीज का जो एडवाइजरी जारी किया है उनमें जाने की, उन अगर ट्रैवलिंग की प्लान है तो कैंसिल करें, और अलग से अपना रुमाल कपड़े अलग रखें, थोड़ा सा जो कंजेशन का होता है ना वो चीज़, उससे थोड़ा दूर रहें। अब चूंकि होली पास आ रही है तो होली को लेकर क्या एडवाइजरी है आपकी? होली का तो यही है कि अगर मेरे हिसाब से तो इससे थोड़ा भीड़ से बचें या कम ही खेल अवॉइड करें, जो क्योंकि रंग्स वगैरह में कई बार हो जाता है। तो ये डॉक्टर मौजूद हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बचाव में, यानी कि सावधानी में ही बचाव है, चूँकि ये वायरस जो है ये फैलने वाला वायरस है, होली का त्यौहार पास है। डॉक्टर एडवाइस ये कर रहे हैं कि आप अपने घर में रहें, नियर और डियर के बीच में ही होली खेलें, क्योंकि ये वायरस अगर फैल गया तो इसका इलाज नहीं है। दीपक गौतम, खबरें अभी तक फरीदाबाद। गुरुग्राम में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे गुरुग्राम समेत हरियाणा में खौफ पैदा हो गया है। संवाददाता आलोक उपाध्याय ने गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर से कोरोना वायरस के बारे में जाना, और इन्होंने इससे बचने के जो उपाय दिए वो भी आप जरूर जानिए। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योग विहार में काम करने वाले एक 29 वर्षीय युवक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे खुद गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद है। सर, ये कौन था युवक और कब से गुरुग्राम में काम कर रहा था? ये जो लड़का है 29 ईयर का, ये उत्तम नगर का रहने वाला है, दिल्ली का, और इसकी हिस्ट्री भी विदेश की घूमने की है। ये 7 तारीख को गया था, 7 फरवरी को ये गया था आपके थाईलैंड में, और वहाँ 13 तक रहा, 13 को ये मलेशिया गया, मलेशिया से ये दिल्ली में आया है 17 तारीख को, और ये यहाँ उद्योग विहार में काम करता है। यहाँ ये नहीं आया, सिर्फ 18 को 2 घंटे के लिए यहाँ पे आया था, और 2 घंटे के आने के बाद भी ये अपने कैबिन में रहा है, और अपने कैबिन में रहने के बाद ये वहाँ से चला गया। लेकिन हमारा ये ड्यूटी है कि हम जितने भी इसके जो एम्प्लॉई इसमें काम करते हैं उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनकी हम जाँच करेंगे और उनसे हम सारी बात करेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ से गया है 2 घंटे के बाद, उसके बाद 4 तारीख को इन्होंने जो ना अपना टेस्ट कराया आरमल में, और उसकी रिपोर्ट आ जाई है, तो इसके बाद हम इसको कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब तक कितने मामले हैं जो कंफर्म आ चुके हैं और कितने संदिग्ध हैं सर कोरोना के? अगर गुरुग्राम की अपनी बात करें तो एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। 5 के हमने सैंपल भेजे थे, 5 के 5 नेगेटिव हैं। डेफिनेटली एक जो अभी रिसेंटली पॉजिटिव आया था वो पेटीएम में काम करता है, और वो भी दिल्ली का रहने वाला है। सिमिलरली ये आज एक केस पॉजिटिव आया है, ये भी दिल्ली का ही रहने वाला, उत्तम नगर का, और ये भी हमारे ज़िले से नहीं है लेकिन यहाँ जॉब जरूर करता है। सर, एहतियात के तौर पे क्या कुछ बरती जा रही है, जो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने पूरे जो प्रदेश है उसको अलर्ट पर रखा गया है, जिला में क्या कुछ तैयारी है सर? देखिए, सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सीजन चेंज, और आपको पता है इंटरमीडिएट रेन आ रही है, तो ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, तो इसमें हम घबराए नहीं, पैनिक ही ना क्रिएट करें, हमारा एम सबसे बड़ा ये है। रही बात तैयारियों की, जिला में जो स्वास्थ्य विभाग है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल के साथ पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं, पूरी तैयारियां हमारी हैं। मसलन कोई भी अगर हमने सैंपल लेना है उसके लिए हमारी रैपिड रिस्पांस टीम हमारी तैयार है, अगर कहीं ज़रूरत लगती है तो आइसोलेशन वार्ड हमारे सरकारी अस्पताल में तैयार हैं 20 बेड के, और एक पॉली क्लिनिक हमारा सरकारी है 10 बेड की, वहाँ व्यवस्था है, और दूसरा प्राइवेट जो इतने हॉस्पिटल हैं उसमें 12 जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो हमारे सारे एमपैनल हैं, वहाँ 70 बेड की फैसिलिटीज़ हैं, और सारे टर्शरी केयर के लिए वो भी हमारे पास, उनके साथ भी हमारा तालमेल है। सर, कोरोना को लेकर 2 नंबर भी आप लोगों ने जारी किए थे, टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पर अब तक कितने कॉल आए होंगे? उस पर काफ़ी कॉल आ गए हैं, ये बड़ी बात है कि 500 से ज़्यादा कॉल हमारे पास आ चुकी हैं, और हमने एक जो टोल फ्री नंबर है, एक लैंडलाइन है, और 3 हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग मी और मेरे DSO और एपिडेमियोलॉजी, सभी के नंबर हमने दे रखे हैं, तो हमारे पास उसके फ़ोन आते रहते हैं, तो उसमें हम सारे 24 घंटे उनको एक्टिविटी करते हैं। जी बिल्कुल, तो साइबर सिटी गुरुग्राम में अब 2 मामले आ गए हैं, जो दोनों युवक हैं उनका ब्लड जांच किया गया था, दोनों ही कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली है, जो सरकारी अस्पताल है वहां लगभग 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है, तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी कमर कस ली है, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी साफ तौर पर यही कह रहा है, उन लोगों से भी अपील कर रहा है कि लोग अफवाहें जो उड़ रही है उस पर ध्यान ना दें। गुरुग्राम से खबर अभी तक के लिए आलोक उपाध्याय। अब बात करनाल की, जहां पर कोरोना वायरस के बाद मेडिकल शॉप्स में मास्क की डिमांड बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की और लोगों के मन की बात को जानने की कोशिश की कि लोग आखिर कोरोना वायरस को लेकर क्या सोचते हैं।
वायरस को लेकर लोगों में एक डर बना हुआ है और मार्केट में जो मास्क की कीमत है वो भी बढ़ गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उन्हें बीमारी जो है कोरोना वायरस, उससे बचने के लक्षण, उससे बचने की सावधानियां और लक्षण उसके बारे में पता है। आपको पता है लक्षण क्या है कोरोना वायरस कि ये कफ होता है इसमें नॉर्मल और सांस लेने में दिक्कत होती है। बट यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मास्क इतना महंगा बेच रहे हो तुम, इतना तो देखो हर किसी को जरूरी है, मैंडेटरी हो गया, इतना महंगा तो मत करो तुम। और सैनिटाइजर के बारे में क्या कहना चाहिए? सैनिटाइजर में सबको यूज़ करना चाहिए, आज के टाइम में सारे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस हैंडशेक की जगह नमस्ते करते हैं आजकल, जैसा कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हैंडशेक नहीं करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में डर बना हुआ है? जी डर बहुत है, मास्क को जो है कम यूज करना चाहिए, इससे पब्लिक परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा, इसे महंगाई बेच रहे हैं और इसमें जो है इसका जो है शाकाहारी यूज करना चाहिए, फिलहाल इसे छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के कम समय के लिए, फिलहाल तो खा रहे हैं लोग बाकी, तो जो है इसका कम से कम यूज होना चाहिए, अब फिलहाल के लिए रोकथाम होनी चाहिए मास्क में भी। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने जाना कि उन्हें क्या जो सावधानियाँ हैं कोरोना वायरस को लेकर उसके बारे में पता है, या लक्षण की बात की जाए उसके बारे में पता है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है मेडिकल विभाग की तरफ से, ताकि लोगों के अंदर जो डर बना हुआ है वो डर दूर किया जा सके और लोग एक आम जिंदगी, सेफ जिंदगी जी सकें। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। इसी बीच चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने डॉक्टर आशीष से बातचीत की और जाना कि कोरोना वायरस का आखिर पता चलता कैसे है और सोशल मीडिया पर जो खबरें सामने आ रही है उनमें कितनी सच्चाई है, आप भी देखिए। कोरोना वायरस को लेकर के लगातार भारत में भी अब सनसनी फैल रही है, जिस प्रकार से 29 मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं उसके बाद एक और जहां लोग इससे क्या क्या प्रिकॉशन इससे बचने के लिए करने चाहिए इस ओर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई ऐसी अफवाह फैलाई जा रही हैं जिससे कोरोना वायरस को ठीक करने को लेकर के कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इसके सिम्टम हैं और जो व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया से जो अफवाह चल रही है उसमें कितनी सत्यता है या उन तमाम बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। डॉक्टर आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर के जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं किस प्रकार से इसका ध्यान रखना है और पहले प्राथमिक सिम्टम किस प्रकार के हैं इस वायरस? कोरोना वायरस जो कि स्टार्ट हुआ है चाइना से और चाइना पे में उसकी मोर्टेलिटी पाई गई है, लेकिन अभी तक इंडिया में जो केसेस आए हैं उसको लेके ज़्यादा पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं। एज़ पर गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं कि मेन सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि इसको लेके किसी को भी घबराने की बात नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। सेकंड थिंग जो हम बचाव कर सकते हैं वायरल डिजीज़ के लिए वो ये है कि हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखना है। हाइजीन का कहने का मतलब क्या है कि आपके हैंड वॉश बराबर करने हैं, खाना खाने से पहले आप टॉयलेट जा रहे हो या खाना खाने के बाद, और जैसे बच्चे हैं अगर किसी को कोई घर में बीमार है उसको देख रहे हो, बच्चों को भी हैबिट डालनी है कि हैंड वॉश पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहेगा तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप तुलसी लीजिए, हल्दी लीजिए, उससे ये ठीक होगा, अल्कोहल के आप पैग लीजिए उससे ये ठीक होगा, क्या वाकई इसमें कोई सत्यता है, ये कम करता है इसके सिम्टम को? देखो जहाँ तक सवाल है तुलसी और हल्दी का, हल्दी वैसे ही इम्यूनिटी के लिए बेटर मानी जाती है, बट यहाँ तक कोई भी दूसरी चीज़ें, कोई अल्कोहलिक या अदर कोई भी ऐसे ड्रग वाले पार्ट्स आ रहे हैं उन पे एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट प्रॉपर मेंटेन कर रही है, वो बता रही है, जहाँ प्रॉपर मीडिया चैनल्स पे जो आ रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, ना के बजाय के व्हाट्सएप पे जो भी या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टिन्यू मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये जो वायरस है हवा के ज़रिए नहीं फैलता, अल्कोहल और तुलसी हल्दी जैसी जो बातें इस वायरस को कम करने के लिए कही जा रही है उसे एक मिथ्या के तौर पर ही देखा जा रहा है और उनमें कोई भी सत्यता नहीं है। हालांकि इससे बचने के लिए सैनिटाइज़र और हाइजीन जो अगर रखा जाए तो काफ़ी हद तक इस प्रकार के वायरस से बचा जा सकता है और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके का अगर कोई भी सिम्टम है तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बना करके और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन भरत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। चलिए बात रोहतक की, जहां पर कोरोना से बचने के लिए अस्पताल में बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना को हराने के लिए सिविल अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, आपको भी दिखाते हैं। चाइना में दहशत फैलाने के बाद कोरोना वायरस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। 30 से ज्यादा मामले भारत के विभिन्न हिस्सों में अभी तक प्रकाश में आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं इससे बचाव के लिए, ताकि लोगों में ये वायरस ना फैल पाए, ये बीमारी हिंदुस्तान में ना फैलने पाए। फिलहाल हमारी मौजूदगी रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में है, जहां पर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे कि ये आइसोलेशन वार्ड स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई कोरोना का सस्पेक्टेड पेशेंट अगर सामने आता है तो उसका इलाज किया जा सके, उसके लिए स्पेशली आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और ये सिर्फ रोहतक नहीं, ये प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बनाए गए हैं। रोहतक की बात करें तो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के अलावा PGI में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसका हमने जायजा लिया था और वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं उसके बारे में हम लोगों ने पड़ताल की थी। वहाँ पर जायजा लेने के बाद फिलहाल हम पहुँचे हैं रोहतक के सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पर ये सेकंड फ्लोर पे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कुल 6 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और यहाँ स्टाफ है जो वो तैनात किया गया है। डॉक्टर रमेश हैं, अस्पताल इंचार्ज, वो खुद इसकी देख रेख कर रहे हैं। हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे तो इस वार्ड पर ताला लगा हुआ था, हमारे आने के बाद ताला खोला गया और बेड की व्यवस्था वो चद्दर वदर बिछा दी गई है। फिलहाल डॉक्टर रमेश जो यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, मैं आपको सीधे उन्हीं से रूबरू करवाता हूँ कैसी यहाँ की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब नमस्कार। कोरोना पेशेंट कोई सस्पेक्टेड सामने आता तो क्या व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर? जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, सस्पेक्ट केसेस को जो है उनके लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा होना चाहिए, जो कि अस्पताल में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार 6 बेडेड हमारा आइसोलेशन वार्ड है जो आप देख ही रहे हैं। और इसके अंदर सभी तरह की हैं जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, और जैसे ये अल्कोहल हैंड वेस रस दिख रहा आपको, और साथ में ये एक आपको दिख रहा होगा वेंटिलेटर हमारा लग रहा है। तो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह के जो है सरकार की दिशा निर्देश अनुसार सभी तरह की जो है इंतजाम कर लिए गए हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब मास्क का कोई यहाँ मास्क लगाए नजर नहीं आया अभी तक, ना कोई स्टाफ कर्मचारी ना लोग आ जा रहे हैं, मास्क की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है? नहीं, मास्क की अगर आप देखें तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही पेशेंट आएगा, पेशेंट के हिसाब से आपको पता ही होगा ये जो है हमारा N95 मास्क है जो हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर उपलब्ध है। और जैसे ही मरीज की एंट्री होगी और मरीज के साथ या जो भी होगा उसके हिसाब से जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो हमारे पास सभी तरह की सुविधा है। और बाकी स्टाफ को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो रूटीन में भी अपना इसको पहनना शुरू करें। यहाँ तो कोई स्टाफ में से तो कोई पहने नजर ही नहीं आया हमें। नहीं नहीं, ये अभी जैसे आप आए हैं पेशेंट भी आप देख रहे हैं वार्ड बिल्कुल वो है ना, तो हम आए उसके बाद ही ताला खोला गया, लॉक लगा हुआ था यहाँ पर। थिंग इज दैट कि ये वार्ड है अटैच, जैसे ही पेशेंट आएगा, क्योंकि अटैच्ड वार्ड है ये, ऐसा नहीं कि इसकी डेली इसकी वो होती मॉनिटरिंग, और डेली इसके अलग से जो नोडल ऑफिसर बनाए गए यहाँ पे हमारे DMS हैं, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में गए हुए हैं, तो उनकी देखरेख में सारा काम अस्पताल की जो सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए उनको पूरी ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजर ऑफिसर बनाया गया है। डॉक्टर साहब यहाँ कितने डॉक्टर्स की टीम है जो स्पेशली लगाई गई है अगर कोई कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड अगर कोई मिलता है तो? नहीं, ये टीम में जैसे आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, उसके बाद इसमें एक फिजिशियन होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, तो ये इन सब की एक एपिडेमोलॉजिस्ट होता है, तो ये सभी लोग उपलब्ध हैं। अगर कोई कॉमन मैन आता है उसको डाउट है कि कोरोना पेशेंट हो सकता है और वो अगर मास्क लेना चाहे तो वो कहीं नहीं मिल रहा, हम लोगों ने खुद भी ट्राई किया, आपका जो नीचे दवाइयां जहां दी जाती हैं सरकारी जो बनाया हुआ है आपका, वहां पे भी इंक्वायरी पे भी हम सब जगह पता किया हम लोगों ने, कहीं भी मास्क उपलब्ध नहीं हो पाया, ऐसा क्यों है? नहीं, इस बारे में मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो सिविल सर्जन महोदय हैं वो कमेंट कर पाएंगे इस बारे में। कोरोना से लड़ना है डरना नहीं है, तो देखा आपने किस तरह से रियलिटी चेक में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आप स्वस्थ रहें।